आती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं। 20 किलोमीटर जाओ और आओ और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता, रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते ना मार्केट घूमने, फिर पीछे देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, एजी मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूँ शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहाँ शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, काफी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है, शीना वो पैसा भाई को दे देती है 2 महीने बाद। अरे यार शीना वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं, अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था, यार मैं तंग आ गया हूँ, ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूँ, बार बार पैसे मांगा है। अच्छा मैं शीनू को फोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फोन करती है लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं, लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है, उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है, वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था, मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर गए आप। क्यों आदमी किसी ने दिल नहीं होता या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं, मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वो बैठ जाता है, शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन सुनिए ये लीजिए 2 लाख रुपए, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज की बात किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ, मुझे माफ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है।